मुंबई के घाटकोपर इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या से सनसनी फैल गई है। फेसबुक पर शुरू हुई राजनीतिक टिप्पणी इतनी गरमाई कि रात होते होते एक कार्यकर्ता की मौत से ठंडी हुई। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में बीती रात महेश्वर मंदिर के सामने 45 साल के कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज दुबे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जहां एक तरफ रात 9:30 बजे के करीब बीच बचाव किया गया था, स्थानीय लोगों ने सभी को समझाकर घर भेज दिया था, उसके बाद एक बार फिर से झगड़ा बढ़ा और मारपीट में बदल गया और रात 1:30 बजे मनोज दुबे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनकी हत्या हो गई। दरअसल इस मामले की शुरुआत फेसबुक पर राजनीतिक पोस्ट से हुई। रविवार के दिन स्थानीय विधायक नसीम खान के जन्मदिन का मौका था। इस मौके पर नसीम खान के समर्थकों और भाजपा समर्थकों ने कई पोस्ट किए। इलाके में कराए गए कामों को लेकर शुरू हुई फेसबुक पोस्ट बहस में तब्दील हो गई और गुस्से में आकर कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज दुबे अपने समर्थकों के साथ राहुल शर्मा के घर पहुंच गया। घर पर राहुल नहीं मिला तो उसके परिवार को धमकी देकर लौट गया। बताया जा रहा है कि देर रात पार्टी से नशे में लौटे मनोज दुबे ने महेश्वर मंदिर के पास बाइक पर खड़े बीजेपी कार्यकर्ता जितेंद्र मिश्रा की बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ता मनोज दुबे को छोड़कर भाग गए। उसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने तलवार से मनोज की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी उमेश सिंह पर हत्या का आरोप है जो फरार बताए जा रहे हैं। मृतक पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुंबई में अगले साल चुनाव होने हैं और इससे पहले ही यहां राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाना आने वाले दिनों के लिए बुरा संकेत है। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।